Hello friends, good morning. Welcome to Vision English classes. I hope you all are well. आज हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स को जानेंगे. ये वर्ड्स आपको इंग्लिश का सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही मदद करेंगे. साथ ही अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप इन वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश बोलने में कहीं भी हिचकिचाएंगे नहीं. ये इंग्लिश बोलने के लिए एक रामबाण है, क्योंकि इन्हीं वर्ड से किसी भी वाक्य की शुरुआत होती है. आइए आज हम इस वर्ड को जानते हैं. इससे पहले आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सो दैट कि आगे भी आपको हमारा वीडियो मिलता रहे. आइए हम लोग जानते हैं. पहला वर्ड है आई. पहला वर्ड है आई. आई का हिंदी होता है मैं. देखिए, हिंदी सबको पता है, लेकिन हमें इनका एक मीनिंग समझना है, इनको समझना है कि हमें इनका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है. तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप कभी अपने बारे में बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे, आप अपने बारे में, तो आप हमेशा शब्द यूज करेंगे आई. चाहे आप किसी भी भाषा में बोल रहे हो, किसी भी भाषा से इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं, नो मैटर, आप जब भी कभी अपने बारे में बोलेंगे आप अपने लिए शब्द यूज कीजिए आई. जैसे मैं बोलता हूं अपने बारे में कि मैं आपका शिक्षक हूं, तो मैं बोलूंगा आई के साथ लगाऊंगा एम योर टीचर. आई एम योर टीचर. तो कभी भी आप अगर अपने बारे में बोलेंगे आप यूज करेंगे आई. सेकेंड वर्ड आता आपका माय. माय का प्रयोग जब आप अपने किसी वस्तु को बताने के लिए करेंगे तब करेंगे. माय का हिंदी होता है वैसे मेरा, मेरे, मेरी. तो जो भी आपका है उसे अगर आप बताना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे माय. आप अपने कलम को बता रहे हैं तो आप कहेंगे माय पेन. आप कहेंगे मेरा देश तो माय कंट्री. आप कहेंगे मेरा भाई तो माय ब्रदर. माय कार. कुछ भी बोलेंगे आप लगाएंगे माय. सेकेंड वर्ड आता आपके पास वी. वी का हिंदी होता है हम लोग, हम सब. हम लोग, हम सब. अब देखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है, जब आप बोल रहे होंगे और आप होंगे एक से अधिक, मतलब आप बोल रहे हैं अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में, तो यूज करेंगे आई. जब आप अपने से अधिक के लिए बोल रहे हैं कि दो लोग या चार लोग के लिए, तो आप शब्द यूज करेंगे वी. वी का हिंदी होगा हम लोग, हम सब. सेकेंड वर्ड आता आपका आवर. आवर का प्रयोग जब मैं एक से अधिक हूं और मेरा कुछ है उनको बताने के लिए कर रहा हूं. जैसे हम लोगों का देश, तो वहां होगा आवर कंट्री. हम लोगों का देश तो क्या होगा, आवर कंट्री. आप करें हम लोगों का शहर तो क्या होगा, आवर सिटी. तो कभी भी अगर आप अपने लिए बता रहे हैं आई, और अपने समूह के लिए बता रहे हैं तो वी. अगर आप अपने किसी चीज के लिए बता रहे हैं तो माय. अगर आप अपने समूह के किसी चीज को बता रहे हैं तो आवर. आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें. साथ ही साथ अपने दोस्त को, जो दूर दराज के दोस्त हैं, उन्हें भी अवश्य वीडियो शेयर करें. धन्यवाद. आइए आगे देखते हैं यू. सेकेंड वर्ड, अगला वर्ड है यू. यू का हिंदी होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग. फ्रेंड्स देखिए, यू का प्रयोग कहां किया जाएगा, एक शब्द में आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपके सामने है, चाहे वो एक हो कि एक हजार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड यूज करेंगे यू. जो भी व्यक्ति आपके सामने है, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, उनको हमेशा बोलेंगे यू. इसमें कोई सोचने की बात नहीं है. इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. आप आराम से इसको समझिए और आप इन्हें, जो भी सामने में व्यक्ति है उनको क्या बोलेंगे, यू. अब आता है योर. योर सिमिलर, जो व्यक्ति आपके सामने है, अगर आप उनका कोई चीज बता रहे हैं, मान लीजिए उनके दोस्त के बारे में बोल रहे हैं, आप उनके किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि उनका हेयर स्टाइल, उनकी घड़ी, तो आप बोलेंगे योर हेयर स्टाइल, योर वॉच. मैं बोल रहा हूं आपकी कार, तो योर कार. मैं बोल रहा हूं आपका मोबाइल, तो योर मोबाइल. सेकेंड वर्ड आता है आपका ही. ही का हिंदी होता है वह, पुरुष के लिए. वह पुरुष के लिए. जो व्यक्ति आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो व्यक्ति अगर पुरुष है तो उनके साथ हम लगाएंगे वह, और वह इंग्लिश में होगा ही. सपोज दैट मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वह लड़का बहुत तेज है, तो हम क्या कहेंगे, ही. क्योंकि वह लड़का है, पुरुष है, उसके लिए क्या आएगा, ही. अगर हम उस लड़के की किसी चीज को बताएंगे तो उसके लिए शब्द हम यूज करेंगे हिज. सपोज दैट मैं कहता हूं उस लड़के की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, हम लगाएंगे हिज.
हेयर स्टाइल, क्यों? क्योंकि मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, उस लड़के की हेयर स्टाइल की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो क्या लगाऊंगा? आई। अगर मैं अपने किसी चीज को बता रहा हूं तो मैं। अगर मैं हम ग्रुप की बात कर रहा हूं, मेरे साथ जो ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा वी। अगर हम अपने ग्रुप के किसी चीज को बताएंगे तो लगाएंगे आवर। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो यू। अगर मैं आपके किसी चीज को बताऊंगा तो योर। अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, वह लड़का है, तो ही। अगर मैं उसके किसी चीज को बता रहा हूं तो हिज। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी मतलब होता है वह, स्त्री के लिए। अगर कोई स्त्री है और उनके लिए वो अगर एक है, उनके लिए हम शब्द यूज करेंगे सी। मैं कह रहा हूं वह शिक्षिका है, तो वह के लिए हो जाएगा सी इज अ टीचर। अगर हम उनके किसी चीज को बताएंगे, अगर वह स्त्री है और उनके किसी चीज को बता रहे हैं, तो हम लगाएंगे हर। मैं कह रहा हूं कि उसकी साड़ी, तो क्या होगा? हर साड़ी। अगर मैं कह रहा हूं उसकी मोबाइल, तो क्या होगा? हर मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास दे। दे मतलब होता है वे लोग, वे सब। अगर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति एक से अधिक है, क्या है? एक से अधिक है, उनके लिए शब्द यूज करेंगे दे। हमने भी पढ़ा है अगर व्यक्ति एक है, वो पुरुष है, तो उसके लिए शब्द यूज करेंगे ही। अगर व्यक्ति एक है और स्त्री है तो शब्द यूज करेंगे सी। लेकिन अगर व्यक्ति एक से अधिक है, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो, हम उनके लिए शब्द यूज करेंगे दे। दे का एंड होता है वे लोग, वे सब। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि आप ही कहाँ लगाएंगे, सी कहाँ लगाएंगे। अगर व्यक्ति एक है और वह मेल है तो ही, अगर वो फीमेल है तो सी। अगर वो व्यक्ति एक से ज्यादा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वहां हम लगाएंगे सी दे, सॉरी दे। अगर चाहे आपका एक पुरुष और एक महिला हो तो भी हम कहेंगे दे, ही और सी नहीं होगा, वहां पे लगा देंगे आप दे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक लड़का और एक लड़की क्लास में है, आप कहते हैं ही और सी आर, नहीं अच्छा नहीं होगा, आप बोलेंगे दे आर इन द क्लास। नेक्स्ट वर्ड आता है देयर। अगर व्यक्ति एक से अधिक है और आप उनके किसी चीज को बता रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे देयर। मैं कह रहा हूं उन लोगों का क्लास, तो हम कहेंगे देयर क्लास। अगर मैं कह रहा हूं उन लोगों का टाइम, तो क्या कहेंगे? देयर टाइम। ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है दिस। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दिस और दैट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां दिस लगेगा और कहां दैट लगेगा। ध्यान रखिए, अगर कोई वस्तु आपके पास है, सपोज दैट मेरे पास मार्कर है, अगर ये मेरे नजदीक है तो मैं इसके लिए शब्द यूज करूंगा दिस। अगर ये मुझसे दूर हो जाएगा, मैं इशारा करके इन्हें बताऊंगा, तो यहां हो जाएगा दैट। जैसे आपके हाथ में भी मोबाइल है, आप कह सकते हैं दिस इज माई मोबाइल, लेकिन जब आपका मोबाइल आपसे थोड़ा दूर हो, आप कह सकते हैं दैट इज माई मोबाइल। इसी तरीके से आगे और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक करें और फॉलो करें, साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे वीडियो को देखते रहें। जो आपके फ्रेंड्स दूर दराज में है उन्हें अवश्य शेयर करें, क्योंकि वो अच्छे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और यहाँ हम उन्हें कंप्लीट वीडियो सिखा देंगे और आप इन्हें अंग्रेजी को बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। आप अपना कमेंट्स अवश्य करें, जो भी सुझाव हो वो हमें अवश्य दें। धन्यवाद।